सेना के जवान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन द्वारा उक्त जवान को घर पर आइसोलेट करने के विरोध में एसपी कुल्लू से मिलने आए प्रधानों को एसपी कुल्लू ने अपने कार्यालय से बाहर कर दिया, जिस कारण गुस्साए लोग एसपी कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। एसपी कुल्लू के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि 15 अगस्त को सेना का जवान कुल्लू आया था, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण अब कोविड-19 के मरीजों को रखने के लिए प्रशासन के पास जगह कम पड़ रही है, जिस कारण उक्त जवान को घर पर ही आइसोलेट करने के लिए कहा था, जिसका स्थानीय पंचायत के प्रधान व जनता ने विरोध किया। वही इसी मसले को लेकर पंचायत प्रधान व स्थानीय लोग एसपी कुल्लू गौरव सिंह से मिलने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचे थे। कराड़सू पंचायत के प्रधान चुनेश्वर ठाकुर ने आरोप लगाया है, जब वे एसपी कुल्लू से अपनी बात कहने के लिए उनके कार्यालय में गए तो एसपी कुल्लू ने उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया, जिस कारण स्थानीय लोग व प्रधान एसपी कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में किसी भी कोरोना पॉजिटिव को गाँव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए, हमारे पूर्व प्रधान हैं परसाम जी, आपको स्टोरी का तो पता ही लग गया होगा। पहले वो क्वारंटाइन था, फौजी के गांव का था, लेकिन जब वो पॉजिटिव आया तो सुबह सुबह उठा कर उन्होंने गांव में पहुंचा, गांव में उन्होंने सबने एतराज किया कि भाई हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है, आप पॉजिटिव होके गांव में ला रहे हो, उससे पहले आपने क्वारंटाइन किया था। इसने परसराम जी ने उसको वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, तो पुलिस वालों का प्रेशर आया, कल इनको 2-3 पुलिस वाले स्कॉट करके यहाँ लाए, इनका फ़ोन आया हमको, हम गए पुलिस के पास, भी क्या माजरा है, तो उसने अपनी बात रखी तो बिल्कुल ठीक बात रखी, क्या आप कोरोना को फैलाना चाहते हैं, ऑप्शन हो सकती है कोई नोटिफिकेशन अगर इस तरह की है तो उसमें भी तो पंचायत की वेरिफिकेशन आएगी, गाँव घर वालों को पूछा जाएगा कि भाई आपके पास ऐसी अकोमोडेशन है जहाँ हम पॉजिटिव केस को रख सकते हैं। कल इन्होंने छोड़ दिया, रात को इनको धमकाया गया, सुबह आज फिर बुलाया के पॉजिटिव का के आप इसको डिलीट कर दो, तो इन्होंने डिलीट कर दिया। फिर हम एसपी साहब से मिलने गए कि क्यों आप बार बार बुला रहे हैं, हम तीन आदमी अंदर गए कि हमने बात की, फिर मैंने अपनी बात रखी क्योंकि मेरी आवाज़ भी थोड़ी ऊंची है, मैंने कहा जी अगर ऐसी बात है तो मैं भी प्रधान हूँ और मेरी तरह कई प्रधान हैं, कोई नहीं चाहेगा गाँव में लोगों की कंडीशंस क्या हैं, फैसिलिटीज कैसी है, कोई नहीं चाहेगा, और मैं भी अपने गाँव में नहीं आने दूंगा, अपनी पंचायत में मैं भी पॉजिटिव केस को नहीं आने दूंगा। इस प्रकार आप तो मेरे को ऑर्डर सुना रहे हैं, मैं कहा ऑर्डर क्या सुना रहे हैं, आपके पास इसलिए आए हैं, वो डीसी के पास जाओ, हम कहा आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप परसराम जी को बार बार बुला रहे हैं, कहा आप यहाँ दफ्तर से बाहर चले जाओ। फिर मैंने कहा आप यू आर इंसल्टिंग, मैं प्रधान हूँ, अपने इलाके का प्रधान हूँ, आपसे बात रखने का है, मैं अपनी पूरे महामारी के दौरान पूरा पंचायत आपको सहयोग कर रही है, जितने भी क्वारंटाइन थी पंचायतों ने सहयोग किया। बोला नहीं ये गलत है कानून को, मैं कहा कानून भी लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होता है, दुखदाई होगा तो उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन आपका ये कहना कि अब ऐसी नोटिफिकेशन है कि आपको घरों में क्वारंटाइन करने का, ऐसी कोई नोटिफिकेशन ऑप्शन हो सकती है कि जिन लोगों के पास घरों में ऐसी फैसिलिटीज है उसको आप भेज सकते हैं, अदरवाइज पंचायत की NOC के बगैर आप नहीं भेज सकते, इस बात आप बाहर चले जाओ। तो ये इस तरह का व्यवहार एक चुने हुए नुमाइंदे के साथ, हमारे और भी प्रधान हैं, तीन आदमी मंदिर गए थे, इस तरह मैंने बहुत सुना था कि SP बहुत अच्छे हैं, जिस तरह लग रहा था कि बड़ी छोटी उम्र में ऐसा लग रहा था कि अपनी बात रख रहा हूँ, मैं शर्म फील कर रहे थे, मैं अपनी जो कड़वा सच जो सामने रख रहे थे, तो ऐसा समझ रहा था कि भाई मेरे साथ बड़ी गलत बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी आपसे बात नहीं करेंगे तो और किससे बात करेंगे, कहा आप स्लो बात कीजिए, मैं कहा मेरे गले का साउंड ऐसा जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे नेचुरल क्या नहीं आप बाहर चले जाओ, मैं हम बात नहीं करेंगे, डीसी से बात करो, ऊपर बात करो, मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। मैंने कहा मेरी पंचायत में और सराउंडिंग पंचायत में अगर आपका इस तरह का कानून का अगर सख्त विरोध करना पड़े उस कानून की खिलाफत हम करेंगे। ये बात कि ये बताएं कि ये कहाँ तक सही है, न्याय संगत है, मैं तो कहता हूँ इसका क्या, ये जो अभी तक कुछ लोगों में है ये गाँव में फैलाने के लिए ये काफी नहीं है, गाँव में इस तरह की फैसिलिटीज लोगों के पास नहीं है, बड़ी मुश्किल से लोगों के पास एक टॉयलेट है, दो दो तीन तीन कमरे हैं, परिवार बड़े हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या सरकार कमरों में बैठ के ऐसे निर्णय लेती है। अरे भाई जब क्वारंटाइन के लिए लोगों से पैसा ले रहे हैं पॉजिटिव होकर, आप गाँव में भेजेंगे, कहाँ का न्याय है, मैं तो आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा और लोगों से भी पूछना चाहूंगा क्या ये न्याय संगत है।
हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए कुल्लू से अभिनव कौशल।